उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण यहां लगातार तबाही का मंजर जारी है। आए दिन राज्य के किसी न किसी कोने से ऐसी खबर आ ही जाती है। कहीं बारिश की वजह से मलबा आने से रास्ते बंद हो गए, कहीं बारिश के कारण पहाड़ी पर से पत्थर टूटकर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे जान का खतरा बढ़ रहा है। वहीं अब पिथौरागढ़ चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात को घाट के पास दो स्थानों पर भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। मलबा आने से कई वाहनों के मार्ग में फंसे होने की खबर है। बता दें कि NH द्वारा मार्ग को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिसकी मदद से दोपहर तक मार्ग खुलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश जारी है, जिस वजह से सड़कों पर मलबा आने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।